राणा सनाउल लगे अब्बे का पाकिस्तान है ना कि वो गिरफ्तार करेगा। चोर उचक्का चौधरी ते लुंडी रन प्रधान, ये जिसको पंजाबी आता है वो समझ आएगा कि ये पीडीएम क्या चीज़ है। आपको याद होगा शहबाज शरीफ ने बोला था सर मंडवाते ही ओले पड़ गए, और मियाँ साहब ओले नहीं हो साढ़े जुतियाँ संतरप्पड़ सन तो लोले नजर आते सर। ये ठाकुर ये राणा सनाउल्ला जो है ये मूछों वाला कुत्ता जिसको कहते हैं नवाज शरीफ ने कुत्तों पाला मूछों वाला तरीके इंसाफ के कारकुन है, इनसे जानते हैं कि इन्होंने एक स्पेशल लिबास पहना हुआ है जिसपे हम कोई गुलाम तो नहीं ये लिखा हुआ है, इसकी क्या वजह है जी सर? अस्सलाम वालेकुम। ये सर मैं 2018 में एक सिलाई करवाया था उसके पीछे लिखा हुआ था दो नहीं एक पाकिस्तान, तब खान साहब ने स्लोगन था दो नहीं एक पाकिस्तान, अब स्लोगन है हकीकी आज़ादी, और मैं तीसरे पे मैंने वो लिखाया हुआ है, इस पर लिखा हुआ है हम कोई गुलाम नहीं, और बिल्कुल हम गुलाम नहीं, हम एक आज़ाद लीडर मुल्क के आज़ाद बशिंदे हैं, और हमारा लीडर एक दलेर और जुरत वाला लीडर है, इन डाकुओं की तरह झूठा नहीं है, मक्कार नहीं है, फरेबी नहीं है, कुछ नहीं मिलता तो कहते उसने इस्लाम पे ये बोल दिया। भाई इस्लाम पे खत्मे नबूवत के हर जो 15 मार्च को मेरे ख्याल में शायद मनाई जाएगी, वो मेरे लीडर ने यूएन में उसको पास करवाया सारी दुनिया को साथ लेके, वो एक सच्चा और सुच्चा आशिक रसूल है इंशाअल्लाह। खान साहब पर इस टाइम दहशतगर्दी का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया, उनकी गिरफ्तारी के लिए केस भी चल रहा है, इस पर क्या कहेंगे? यार फिर आप भी दहशत गर्द हो, मैं भी दहशत गर्द हूँ, और 22 करोड़ अवाम ही दहशत गर्द है, अगर इमरान खान दहशत गर्द है तो। ये ठाकुर ये राणा सनाउल्ला जो है ये मूछों वाला कुत्ता जिसको कहते हैं नवाज शरीफ ने कुत्तों पाला मूछों वाला, ये सारे टोपी ड्रामे कर रहे हैं। ये पीडीएम का भी बस सिर्फ यही है चोर उचक्का चौधरी ते लुंडी रन प्रधान, ये जिसको पंजाबी आता है वो समझ आएगा कि ये पीडीएम क्या चीज़ है। जो आपने अभी थोड़ी देर पहले नाम लिया है जनाब राणा सनाउल्ला साहब, राणा सनाउल्ला साहब कहते हैं खान साहब को हम गिरफ्तार करेंगे तो उनकी मनपसंद जेल में रखेंगे, ये खान साहब टेंशन ना ले, इस पर क्या कहेंगे? राणा सनाउल्ला के अब्बे का पाकिस्तान है ना कि वो गिरफ्तार करेगा। खान साहब ने 2-3 दिन पहले एक टेलीथॉन किया, 3 घंटे में 500 करोड़, एक बहुत भारी अमाउंट उन्होंने इकट्ठी कर ली, आपको क्या लगता है कि अगर मियाँ शहबाज शरीफ साहब ये लाइव टेलीथॉन करें इंटरनेशनल लोग उनको देंगे या नहीं? पहले तो 520 करोड़ है, 500 नहीं है, दूसरा इन्होंने ट्राई करनी है करके देख ले, इनको टका किसी ने नहीं देना एक टका, ये जो फॉरेन फंडिंग बनी हुई है सारी यही फॉरेन फंडिंग है, यही लोग हैं, यही नवाब रेस्टोरेंट वाले, ये दूसरे तीसरे, यही पाकिस्तानी हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो हर पाकिस्तान की मुश्किल में साथ देते हैं, चौकाधाना में पैसे देते हैं, नमल में देते हैं, अभी 3 घंटों में 520 करोड़ उसने इकट्ठा किया है। यार एक सच्चे इंसान को ही लोग पैसे देते हैं, ठगों को पैसे नहीं देते, और आप फिक्र ना करें जितने पैसे इमरान खान ने 3 घंटों में इकट्ठे किए हैं ना, ये डाकू इतने पैसे 3-3 मिनट में चोरी कर लेते हैं, ये इनका वो आवाम पैसे देने वाली नहीं है, इनको जूते ही नसीब है। बा साहब आपको याद होगा शहबाज शरीफ ने बोला था सर मंडवाते ही ओले पड़ गए, और मियाँ साहब ओले नहीं हो साढ़े जुतियाँ संतरप्पड़ सन तो ओले नजर आते सर। क्या आप पैगाम देना चाहेंगे अपने सियासी हरीफों को? सियासी हलीफों के लिए कि प्याम है जितनी जल्दी हो सके इलेक्शन करवाएं, ये ना हम सब पाकिस्तान इस्लामाबाद की तरफ मार्च करें और आपकी गर्दन पे पाँव रख के आपसे इलेक्शन लें, इज्जत से ही मान जाए तो अच्छी बात है। आखिर में हम चाहते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज पाइंदाबाद का नारा लगाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। जब कोई भी बात पाक फौज के खिलाफ भले मेरा लीडर ही करे उसकी तकलीफ होती है, ये नहीं कि हम अंधी तलकीन करने वाले नहीं है, हमारा लीडर है, हमें पता है वो सच्चा है, किसी वजह से ही कर रहा होगा, लेकिन तकलीफ ज़रूर होती है जब भी पाक फौज में मैं अपने लीडर की बात कर रहा हूँ या कोई और जो भी तनकीद करता है, तकलीफ होती है, इंशाल्लाह नहीं करेगा, समझ आएगा। जनाब इनका कहना था कि पाक फौज पर जो खान साहब कभी कभी तलकीन कर देती हैं वो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पाक फौज जो है हमारा इदारा है, हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।